हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जो छोटे बच्चों में सारे डॉक्टर्स विटामिन डी रिकमेंड करते हैं, या जो लोग नहीं विटामिन डी लेते हैं तो उनके बच्चों में क्या प्रभाव पड़ सकता है, विटामिन डी का बच्चों के लिए क्या उपयोग है, उनके हाइट में उसका क्या उपयोग है, बच्चों के दांत निकलने में विटामिन डी का क्या रोल है, बच्चे के वजन बढ़ाने में क्या रोल है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या रोल है, आज हम विटामिन डी का क्या सही डोज है, कब तक लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि बच्चों में विटामिन डी की क्यों जरूरत है, क्योंकि अब हमारा लोगों का लाइफस्टाइल ज्यादातर इंडोर हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर ज्यादा नहीं निकलते और बच्चे का जो सन एक्सपोजर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा। ऐसे में बच्चे में जो यूवी रेज का एक्सपोजर से, जिससे कि हमारी स्किन यानी विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, तो यूवी रेज ही हमारे स्किन को नहीं एक्सपोज हो पा रहा, जिससे कि विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा। ऐसे में हमें बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे बच्चे को विटामिन डी देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी कितना चाहिए होता है, तो इंडियन एकेडमी का पीडियाट्रिक के हिसाब से 400 इंटरनेशनल यूनिट टिल वन ईयर यानी एक साल तक की बच्चे को, जीरो से लगा के एक साल तक की बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जरूरत होती है, जो कि मार्केट में कुछ ड्रॉप जो है 1 ml 400 इंटरनेशनल यूनिट, कुछ ड्रॉप में 1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसमें 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो ऐसे में 1 ml, अगर 1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट है तो ऐसे में 0.5 ml दिन में एक बार बच्चे को देना होता है। अब हम बात करते हैं कि कब तक का देना है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा यानी घर में ही रह रहा है तो ऐसे बच्चे में लगभग 2 साल तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 1 साल तक के बच्चे को एब्सोल्यूट है यानी बहुत जरूरी है कि आप, अगर वो चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करता हो, चाहे फॉर्मूला फीडिंग करता हो, जो भी फीडिंग कर रहा है, तो ऐसे में देना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी का बॉडी पे क्या रोल है। तो इसका रोल ये है, क्योंकि बच्चा शुरुआत में ज्यादातर दूध पीता है, दूध में रिच सोर्स कैल्शियम का होता है, ऐसे में दूध से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम और फॉस्फेट को बच्चे की बोन्स में पहुंचाना, जिससे बच्चे की बोन्स का तेजी से विकास होता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्प्रूव होती है, ऐसे बच्चे में जो कोल्ड और अस्थमा के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो बच्चे में जो बाहर के जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, उनसे लड़ने की ताकत आती है। अब हम बात करते हैं, यदि किसी बच्चे में विटामिन डी नहीं दिया जा रहा तो उसमें क्या हो सकता है। ऐसे बच्चे को डायरिया, जल्दी जल्दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कोल्ड और एलर्जी, ऐसे बच्चे की बोन्स का विकास यानी उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ऐसा बच्चा जैसे कि क्रॉलिंग करता है या सिटिंग या स्टैंडिंग, ऐसे में जो है ये सारे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है ये डिले हो सकते हैं, बच्चे के जो टीथ इरप्शन होते हैं वो डिले हो सकते हैं, ऐसे में भी कई बार डॉक्टर विटामिन डी की रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी के और क्या सोर्स हैं जिससे बच्चे को विटामिन डी मिल सकता है। इसमें फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, और ऐसे में बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर कराना है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितनी देर कराना है, तो इसमें यह है कि यदि बच्चा डार्क स्किन का है यानी ब्लैक स्किन है, तो ऐसे में जो है उसको लंबे समय तक सनलाइट एक्सपोजर कराना है। लाइट स्किन का कलर है तो ऐसे में थोड़ा सा कम कराना है। टाइमिंग की बात पूछते हैं, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है, जो 10 AM से 3 PM तक का जो टाइम होता है, ऐसे में जो सनलाइट है उसमें यूवी रेज ज्यादा होती हैं, और यूवी रेज जब हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो हमारी बॉडी उससे विटामिन डी यानी कोलेकैल्सिफेरॉल का सिंथेसिस करता है। तो वो कोलेकैल्सिफेरॉल यानी हमारे बॉडी में वही काम करता है जो हम बाहर से विटामिन डी ले रहे होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।